गुड मॉर्निंग क्लास, आज हमारा चैप्टर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसकी एक्सरसाइज में आप सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार आप सभी लोग सुन लेंगे कि क्वेश्चन आंसर क्या था और हमने कैसे किया है, ठीक है। अब जैसे पहला पैराग्राफ है जिसमें आपको ड्रॉ करना है, आपकी अपनी पोएम को पूरा लिखना है अच्छे से, और लिखने के बाद उसके साइड में जैसे अगर चंदा का जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है कि चंदे की आकृति हमने कैसे बनाई है, ठीक है, आपकी किताब में वो दिया हुआ है, आप वैसे बना के उसके बीच में ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इससे वो अच्छा भी लगेगा और आपको पढ़ने में भी वो अच्छा लगेगा। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन आपका है, आपकी किताब में ही दिया हुआ है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से, लड़की कहना चाहती है कि, मतलब कि क्या। उसमें दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब दो ऑप्शन में है तो हमें पहले हमें कौन सा आंसर करना है, आप आंसर को जान लीजिए। आंसर है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तभी ना उनकी पोशाक पे कह रहे कि इतने लंबी पोशाक कोई पहनता है भला, लड़की यही ना क्वेश्चन कर रही है। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 2 जो आपकी किताब में दिया है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी, इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ, यानी पूर्णिमा के दिन चांद अपने पूर्ण रूप में होता है। उसमें आपको कई ऑप्शन दिए गए लेकिन आपको आंसर ये वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिससे आपके लिए आसान हो। अब इसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्न चित्रों के माध्यम से चांद को 3 रूपों में बांटा गया है, ये आपकी किताब में नहीं है, मेरे हैंड से मैंने क्वेश्चन दिया है, तो आपको उस माध्यम के द्वारा क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से अपनी किताब में चांद को ड्रॉ कर लेना है। देखिए सर, चांद कितने कितने रूप में है, ये सबसे 3 रूप है, मैंने 3 स्तर आपको करवाए भी थे, अर्ध पूर्ण अर्ध शून्य, 3 है। इन तीनों के आधार पे ऐसे 3 आकृति आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो क्या क्या लिखेगा, अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो, इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखो। जैसे मैंने आपको ऑप्शन वाइज आप में 4 ऑप्शन मैंने बांट दिए थे, किसी को मैंने पेड़ दिया था, बिजली का खंभा दिया था, सड़क दी थी और पेट्रोल पंप और एक पेट्रोल पंप, ठीक। इन चारों खंड में हमें अगर हम उस जगह पे होते, यानी कि अगर आपको पेट्रोल पंप से बात करनी हो, आपको पेड़ से बात करनी हो, या आपको बिजली के खंभे से बात करनी हो, तो उसकी व्यथा आप क्या सुनेंगे, वो अपने बारे में क्या कह सकता है और आप क्या सुनना चाहें, आप उससे क्वेश्चन क्या करेंगे। जैसे यह हमारी जो कविता का माध्यम है कि 10-11 साल की एक बच्ची जो चांद से इतनी सारी बातें करती है, चांद को इतने सारे उलहने देती है, उसको डांट भी रही है, फटकार भी रही है और कह रही है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मुंह फुलाया तो फूले फूल फूले हो गए एकदम गोल सर्कल वाले चांद, गुस्से में आए तो थोड़े कम और गुस्से में आए तो उससे भी कम, है ना, और या तो कभी कभी एकदम शून्य तो नहीं होते लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें वो बनी होती हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं हाँ भाई चांद को भी गुस्सा आता है। क्लियर। अब इसमें इसे बिजली के खंभों में काफ़ी बच्चों को मैंने ये वर्क खुद दिया था कि आप अपने हैंड से लिखिए, लेकिन समझने के हिसाब से कि बिजली का खंभा अपने बारे में क्या कहता है तो आप उसमें क्या बातें डालेंगे। जैसे यहाँ पे बिजली के खंभे में कुछ बच्चों ने डाला है कि इतने लंबे ऊंचे कभी खड़े रहते, और सबसे पहली बात कि अगर हम इसे लिखना चाहें बिजली के खंभे में अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि बिजली का खंभा जो हमें प्रकाश देता है हर मौसम में वो एक स्थान पे खड़ा होता है, ना वो अपने दुख के बारे में किसी से कह सकता है और ना ही उसका कहा कोई समझ सकता है, लेकिन उसका काम है प्रकाश देना और वो हर हालत में प्रकाश देता है, बिजली की तूफान आए आंधी आए भूकंप भी आता तो बेचारा लटक जरूर जाता है लेकिन प्रकाश देना बंद नहीं करता। वो क्या होता है कि वो जहाँ स्थान पर उसको खड़ा किया है, अगर मैं उसे कहूँगी आओ थोड़ा बैठो ना थोड़ा आराम कर लो तो क्या वो बैठ पाएगा, इतने सालों से जो खड़ा है उसे अचानक हम बैठाएंगे तो वो बैठेगा, हमें उसे बैठाना पड़ेगा, है ना, तब वो बैठ पाएगा। और बिजली का खंभा अगर वो हमें रोशनी देता है तो हमारा एक ही दायित्व बनता है कि हम बिजली के खंभों में बारिश के समय में उसे हाथ ना लगाएं, उसे सावधानी से रखें और कोशिश करें कि जो लोग जैसे पान सुपारी खाते हैं वो वहाँ पर थूके नहीं, तो उसे भी गंदा तो अच्छा नहीं लगता, गंदा तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो बस मुझ पर थूको नहीं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उस पर लिख दे कि यहाँ पर थूकना मना है, ये एक पोस्टर बना के अगर मैंने उस खंभे पे चिपका दिया तो खंभे को कितनी खुशी होगी कि देखो उसने मेरे लिए कितना किया, है ना, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये रही बिजली की व्यथा, है ना,
सभी को समझ में आया। दूसरा पॉइंट था बच्चों सड़क, बिना सड़क के हम ना किसी स्थान से जा सकते हैं ना किसी स्थान से आ सकते हैं। सड़क हमारा एक पर्याय माध्यम है, बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने घर से अगर स्कूल के लिए भी निकलना है तो हमें सड़क की ज़रूरत पड़ती है। तो इस नाते से हम ये कहेंगे, अभी भूकंप हुआ, बारिश हुआ, बारिश में भी सड़क वैसी ही चलती है। अगर हमें कहीं लंबी दूरी तय करनी हो तो ये हमारी उसमें मदद करती है, हमें बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचा देती है। लेकिन इसके लिए भी तकलीफ बहुत है, इस पर लोग थूकते हैं, गंदा करते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कभी जब भूकंप आता है तो सड़क दो टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। तो यातनाएँ तकलीफें इसे भी हैं, लेकिन हम इसके लिए इतना ही कर सकते हैं कि इस सड़क को स्वच्छ रखो, क्योंकि ये हमारे ही मदद में आती है, हमारी दूरी को कम करने में हमारी मदद करती है, हम सही सलामत पहुंच जाए इसमें हमारी मदद करती है। अगर हम कहीं दूर की यात्रा तय करते हैं तो सड़क के किनारे ही दुकानें लगी होती हैं, कोई इमरजेंसी हुआ या फिर मुझे कोई तकलीफ हुई तो मैं तुरंत वहां से निकल के दुकान की शॉप पे जा सकती हूं। तो ये सड़क के किनारे ही दुकान हमें मिलती है, या गाँव के बीच में दुकानें मिलती हैं। और अगर मैं खेतों में चलना चालू करूं, मैंने कहा चलो खेत से दूरी तय कर लो, तो हम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो सड़क हमारा एक पर्याय माध्यम है, बिना इसके हम कहीं आ जाएं, मतलब हमारे जीवन का भी एक आधार है, बिना इसके हम अधूरे हैं। तो इसलिए यह हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें दो पॉइंट और थे बच्चे, पहला एक और था पेड़। अब पेड़ में है तो पेड़ ठंडी में तो जैसे अगर हमें छाया देता ही है, ठंडी से ज़्यादा हम उसे गर्मी में ज़्यादा पसंद करते हैं। गर्मी में इसलिए पसंद करते हैं कि जो दूर दूर से कहीं चल के आ रहे हैं या जिन्हें तकलीफ़ है, तो वो थोड़ी देर उसके पेड़ों की छाँव में ठंडी राहत लेते हैं। उससे हमें काफ़ी से, अगर हम नीम के पौधों की बात करें तो नीम के पौधे हमें कई तरह के गुण उपयोगी हैं, औषधि का काम करते हैं वो। चाहो तो उसकी दातुन कर लो, चाहो तो अगर बहुत मच्छर लग रहे हैं, जैसे कि बहुत जन के घरों में भैंस है, गाय है, तो उन्हें अगर मच्छर ना काटे या जब उनको बच्चे होते हैं तो उनकी केयरिंग के लिए हम उनके ऊपर कपड़े डालते हैं और इसी नीम की पत्ती को सुलगाया जाता है, जिससे वहाँ कोई कीटाणु नहीं रुकते और वो सुरक्षित आराम कर सकते हैं। ऐसे आम के पौधों से हमें आम मिलती है, मैंगो किसे पसंद नहीं है। मैंगो का नाम लेते ही देखो बहुत लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई है और बहुत बच्चों के मुँह में पानी भी आ गया। कोई बात नहीं, हम गर्मी में खाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सीजनिंग फल है बच्चों जो हम खाते हैं, और ये सभी हमें पेड़ों के माध्यम से ही मिलता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इससे ये हमारे प्रदूषण को भी रोकता है और उस रोकथाम पे हमारी सहायता करता है। अगला पॉइंट था पेट्रोल पंप। अब आज के लिए किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अगर सड़क हमारे लिए उपयोगी है तो हम जिस वाहन से जाते हैं उस वाहन में बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। तो इसलिए किसी भी स्थान पर जाने के लिए पहले हम अपनी गाड़ी पर पेट्रोल डलवाते हैं, वो एक दूरी तय करता है। और दूरी करने से क्या होता है, हमारी जो दूर की यात्रा है वो सुलभ हो जाती है, आसान हो जाती है, जिससे हमें पेट्रोल की सहायता से हम जा सकते हैं। इसका आयात निर्यात बड़े बड़े देशों से होता है, जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि तेल हमारे लिए कितना उपयोगी है। हाँ, समय समय रहते रहते इसके दाम में उछाल और बढ़ाव आता रहता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए भी जीविका साधन के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है या एक महत्वपूर्ण किरदार ये निभाता है। सभी को समझ में आया? अब बच्चों आपके जितने पॉइंट थे वो तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आज क्वेश्चन आंसरिंग वाइज आपको ये तो क्वेश्चन आंसर आपकी किताब में दिए गए थे, अब आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आपको अभी समझ लेने हैं। जैसे अब इसमें इम्पोर्टेंट होता है, पहला है कवि परिचय। अब कवि परिचय हमें कैसे करना है उसको हम राइटिंग वाइज करेंगे और उसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है? ओके, अभी के लिए थैंक यू।